వల్లరి విరాజమానము హరి. ధగద్ధగద్ధగజ్వలల్లలాట పట్టు పావకే కిశోర చంద్రశేఖరే రతి ప్రతీక్షణం మమ. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं सनत और आज के इस वीडियो में मैं क्लैश ऑफ क्लैंस में टाउन हॉल 10 के ट्रॉफी पुशिंग के बारे में बात करूंगा. ये ट्रॉफी पुशिंग का सेकेंड पार्ट है. पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया और मैं उसे लिंक कर देता हूं. आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप पार्ट वन देख सकते हैं. पार्ट वन देखना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि मैं पार्ट वन में काफ़ी बातें एक्सप्लेन किया हूं कि आप कौन से ट्रूप्स यूज कीजिए. और हालांकि मैं वही सेम ट्रूप यूज कर रहा हूँ, दैट इज लवल यूनियन. यहाँ पे मैं टाउन हॉल 11 के अगेंस्ट में अटैक कर रहा हूँ. तो देखिए, यहाँ पे मैं लवल यूनियन अटैक कर रहा हूँ. तो यहाँ मैं बैलून से पहले कुछ फनल क्रिएट कर दिया और फनल क्रिएट करने के बाद अभी मोर्टार को डिस्ट्रॉय कर देंगे बैलून्स. तो चलिए, अच्छा खासा अटैक हो गया हुआ यहाँ पे. और मैं दूसरे साइड से भी फनल क्रिएट करूंगा. ऊपर में आप देखें, इस साइड पे आर्चर टावर है एंड मोर्टार है और यहाँ पे मेरे लून्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया. बारी है बाकी के ट्रूप्स को डिप्लॉय करने का. और यहाँ पे मैं अपने लावा हाउंड्स को भी डिप्लॉय कर दिया हूँ. बारी है हेस्ट एंड रेज स्पेल को ड्रॉप करने का. और यहाँ पे बस अब असली गेम स्टार्ट हो चुका है. और यहाँ पे फ्रीज मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी ड्रॉप कर दिया, मुझे थोड़ा और लेट से ड्रॉप करना चाहिए था जब बैलून कोर्ट में चले जाते हैं. और यहाँ पे इन्फोनो टावर जा चुका है अपोनेंट का और बैलून सारे एक जगह जमा हो गए, इस वजह से ईगल आर्टिलरी इजीली सारे बैलून्स को ख़त्म कर दे रहा है. लेकिन फिर भी अटैक अच्छा खासा हो चुका है, वन स्टार में कर चुका हुआ हूँ यहाँ पे. और टू स्टार होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि ईगल आर्टिलरी एक्टिवेटेड है. मैं बस कोशिश कर सकता हूँ कि 50% हो जाए किसी तरीके से. और यहाँ पे मैं अपने हीरोज को अब डिप्लॉय कर दिया हूँ. हीरोज अब अपना काम कर रहे हुए और देखता हूँ यहाँ पे किंग का लेवल हाई होना बहुत जरूरी है. यहाँ पर मेरे हीरोज 20 और 18 लेवल के हैं, जिससे मुझे काफ़ी दिक्कत हो. और यहाँ पे देखिए कितने आसानी से ईगल आर्टिलरी ने मेरे किंग को ख़त्म कर दिया. और यहाँ पर क्वीन भी जा चुकी हुई है. तो 43% ठीक ठाक ही स्ट्रैटेजी था, अच्छा खासा अटैक हो गया. ट्रॉफीज भी मेरे ख्याल से मुझे 4 या 5 ट्रॉफीज ही मिलेंगे. और टाउन हॉल 11 के अगेंस्ट में 2 स्टार करना में काफ़ी टैलेंट चाहिए. और यहाँ पे अगर मेरे ख्याल से अगर मैं सारे रेज एंड हेस्ट स्पेल यूज कर रहा होता तो मैं इजीली इसे 2 स्टार कर देता. चलिए कोई बात नहीं, अगले रिप्पे की तरफ चलते हैं. और यहाँ पर मुझे 4 ट्रॉफीज़ मिला. लेकिन आप ट्रॉफीज आपको जो भी मिले, आपको अच्छे बेस मिले, आपको 3 या 4 ट्रॉफी कुछ भी मिले, आप पुश करते जाइए, रुकिए मत, क्योंकि बड़ा किस्मत से बड़ा मेहनत होता है ट्रॉफीज अर्न करना, जल्दी मिलते नहीं. और यहाँ पे देखिए, मतलब इससे अच्छा खुशखबरी क्या हुआ कि आपको एक टाउन हॉल 9 मिल गया, जिससे आप जानते हैं कि बड़े इजीली आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. और यहाँ पे मैं लावा लूनियन मेरे लावा लून्स इजीली से बेस तक पहुँच चुके हैं. मेरे पास 2 स्पेल भी है और ये बेस बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है, इसका कोई चांस नहीं है. ये 100% 3 स्टार होने वाला है और हो चुका हुआ, ऑलमोस्ट 3 स्टार हो चुका हुआ है. अब मैं अपने हीरोज को ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे गेम इसका ख़त्म हो जाएगा. और लवा लून मेरे लवा लूनियन मिनियंस यहाँ पे मैं हीरो से ड्रॉप नहीं किया एक्चुअली, यहाँ पे मिनियंस एंड लवा पब्स सारा काम कर देंगे. 93%, 94%, 95%, 98% और ये रहा 100%. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बातें सारी इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ रही होंगी कि आप लैंग्वेज चेंजेस भी कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज करने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा. और मैं आप लोगों को पार्ट वन में बता चुका हूँ क्या क्या लैंग्वेज में मुझे अच्छा खासा मिला, ट्रॉफीज मिल रहे थे. एक इंडो था, उसके अलावा तो चाइनीज लैंग्वेज जो भी आप उसमें स्विच कर सकते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे चैम 2 लिखता ठीक था, चैम 2 चैम 3 एंड सेकेंड लिखता बेसिस मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी दिक्कत हो गया. और अब यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे मिनिमाइज हो गया. यहाँ पे देखिए, मैं फिर से मैं फन लिंक क्रिएट करूँगा. मैंने यहाँ से देखिए बैलून्स को डिप्लॉय कर दिया और अब इन्होंने इधर किनारे के डिफेंसेज को ख़त्म कर दिया. तो मेरे बाकी ट्रूप सीधे कोर की तरफ जाएंगे. और अब मैं अपने सारे लून्स को ड्रॉप करूँगा, देन लावा को ड्रॉप करूँगा, देन मिनियन को, देन स्पेल को ड्रॉप करने के बारे में. तो मैं हिस्ट स्पेल ड्रॉप करूँगा और अब उसके बाद मैं रेज स्पेल एंड पॉइजन अगर सीसी में कोई ट्रूप्स हुआ तो. और यहाँ पे मैं अपना अब एक रेज स्पेल मेरे पास है, तो रेज स्पेल भी मैंने ड्रॉप कर दिया और फ्रीज स्पेल भी ड्रॉप कर दिया. और ड्रैगन के पीछे में लवा पब्स एंड मिनियंस अपना इजी काम कर रहे हैं. और देखिए यहाँ पे देखिए टाउन उसका अभी भी बच गया था, इसलिए वॉल ब्रेकर रखना काफ़ी ज़रूरी है. क्योंकि वॉल ब्रेकर रहने से अगर आपका ट्रू किंग हीरोज रास्ता भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो आप उसे वॉल ब्रेकर से सही रास्ते पर ला सकते हैं. और यहाँ पे लवा पब है, लवा हाउंड है, तो कुछ खास मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि एक मैक्स लवा हाउंड के लवा पब्स इजिली हीरोज को ख़त्म कर सकते हैं, क्वीन को भी ख़त्म कर सकते हैं. तो एबिलिटी मुझे यूज करना पड़ चुका हुआ है.
और अपोनेंट की क्वीन भी जिंदा है यहाँ पे, और मुझे लगता नहीं कि मैं उसमें कुछ 1% डैमेज कर पाऊँगा, नहीं कर पाया। 56% 2 स्टार, तो ये काफ़ी है 56% 2 स्टार। आपको 3, 4, 4, 5 ट्रॉफीज करके धीरे धीरे ऐसे करके आगे बढ़ना पड़ता है, और शील्ड का फ़ायदा ज़रूर उठाइए, अपने गार्ड का फ़ायदा ज़रूर उठाइए, गार्ड बाय भी कीजिए अगर आपसे हो पाएगा तो, और गार्ड में आप कोशिश कीजिए जितना अधिक से अधिक अटैक कर सकें। और इसके अलावा ट्रॉफी पुशिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लैन, बिना ढंग के क्लैन के, बिना ढंग के क्लैनमेट से जो सपोर्ट करें आपके पास पॉसिबल है ही नहीं कि आप पुश कर सकें, क्योंकि आपको हमेशा ट्रूप का रिक्वेस्ट रहता है। मेरे केस में मेरे क्लाइमेट्स काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी अपने ट्रूप्स डोनेट करते थे, डोनेशन रेशियो जैसा कोई यहाँ पे लफड़ा नहीं था। तो इस बेस को मैं समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड से अपने अटैक डिफेंस जैसे क्लियर करने स्टार्ट कर दिए, ताकि मैं सीधे अपने मेरे ट्रूप्स सीधे कोर में जा सकें। तो अब मैं अपने रिमेनिंग ट्रूप्स को ड्रॉप करूँगा, सारे लून्स को ड्रॉप करूँगा, देन मैं लावा हाउंड को ड्रॉप करूँगा, देन मिनियंस को, और देन असली पिक्चर स्टार्ट होगा। और अब बारी है हेस्ट स्पेल को ड्रॉप करने का, सारे मिनियंस मैंने ड्रॉप कर दिए हैं पहले ही, तो मैं अब बारी है मैं सारे हेस्ट स्पेल ड्रॉप करूँगा, देन रेज स्पेल, देन पॉइजन अगर उसे सीसी में कुछ हुआ तो, नहीं हुआ तो मैं कुछ ड्रॉप नहीं करूँगा। और यहाँ पे मैं एक फ्रीज मैंने यहाँ राइट साइड में फ्रीज कर दिया हुआ है, लेकिन लगता नहीं कुछ खास डैमेज हो पाए, क्योंकि इसके पास टेस्ला फार्म भी है अंदर में, दो दो एक्सपोज भी, काफ़ी अच्छा डिफेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे बैलून्स अच्छा खासा डिफेंस डिस्ट्रॉय कर चुके हुए हैं। और अब देखता हूँ टाउन हॉल इसका टूट पाता है इन टूट पाता है, यहाँ पे मिनियंस भी गए। ओ माय गॉड यार, ये लावा पप बच चुका भाई, लावा पप अभी भी जिंदा है, अमेजिंग। ये अकेला लावा पप है और मुझे लगता है कि ये टाउन हॉल को तोड़ ही देगा। तो मैं अब दूसरे साइड से अपना हीरो से ड्रॉप करके 50% करूँगा, और अब बारी अपने किंग एंड क्वीन को ड्रॉप करने का, और ये लावा पप लॉक हो चुका हुआ है, तो मैं अब राइट साइड से अपने हीरोज़ को ड्रॉप करूँगा, देन उसके पीछे मैं क्वीन को ड्रॉप करूँगा। क्वीन अब ये दोनों क्वीन वॉक में हेल्प मिलेगा मुझे, और यहाँ पे 50% हो जाएगा, 44% हो चुका हुआ है, और मेरा क्वीन किंग वॉल तोड़ने पर लग चुका हुआ है, जबकि राइट साइड में इतने सारे डिफेंसेस थे। चलो कोई बात नहीं, 46% अब क्वीन की एबिलिटी मेरे पास बाकी है, क्वीन की एबिलिटी में भी यूज करूँगा, तो 50% हो ही जाएगा। और यहाँ लावा पप लगा हुआ, लावा पप ने अकेले टाउन हॉल को तोड़ दिया, क्या बात है यार, बड़ा चमत्कार होगा ये 50% 2 स्टार। तो लावा हंड सही स्ट्रैटेजी मुझे लगा, क्योंकि लावा हंड में एक मिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ, मतलब एक सही प्रोपोर्शन ऑफ एलिक्सर एंड डार्क एलिक्सर यूज होता है, तो आपके पास ऐसा नहीं कि सारा का सारा डार्क एलिक्सर पे बटन पड़ गया, सारा का सारा एलिक्सर पे बटन पड़ गया, और लूट बोनस से मेकअप हो जाता है, इजीली मेकअप हो जाता है। तो यहाँ पे 54% के बाद मुझे लगता नहीं कि मैं ईवी पर डैमेज कर पाऊँगा, मैं बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पाया, और 12 ट्रॉफीज मुझे मिले, 4, 4, 8 एंड 8, 12, 20। और ऐसे करके आप आगे बढ़ना पड़ता है, किसी दिन हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, तो ये बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है यहाँ पे। और चलिए अब अगले रिप्ले की तरफ चलते हैं, अगले रिप्ले में देखता हूँ मुझे कितने ट्रॉफीज़ मिले हैं। मैं ये रिप्ले शेयर करूँगा, 66% एंड 7 ट्रॉफीज़ मुझे मिला है, तो देखते हैं कि। और यहाँ पे देखिए ऐसे बेसेस भी बड़े बड़े पॉपुलर है, रिंग टाइप के बेसेस, तो ये बड़े इजीली 2 स्टार हो जाते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि रिंग बेसेस को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि मैं मेरे से फनल कर सकूँ सही से, लेकिन देखिए कुछ खास फनलिंग मैं कर नहीं पाया। तो अब बारी है मैं अपना नॉर्मली अटैक स्टार्ट करूँगा, जैसे मैं अटैक करता हूँ। यहाँ पे मैं लावा हाउंड को ड्रॉप कर किया, क्योंकि टाउन हॉल को मेरा फोकस टाउन हॉल था, इसलिए से मैंने राइट साइड से अटैक किया, ताकि क्वीन भी ख़त्म हो जाए और मेरे बैलून्स भी सीधे कोर में जाए और 2 स्टार इससे हो सके। और यह देखिए बैलून्स सारे के सारे बैलून्स कोर में जा चुके हैं, और यहाँ पे इन्फर्नो टॉवर भी डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ, और बैलून्स इस इन्फर्नो को भी डिस्ट्रॉय ख़त्म कर देंगे, क्या बात है यार। यहाँ पे आप बड़े अच्छे तरीके से ये फनल मतलब क्रिएट हो गया था, और बेस को मैंने 2 स्टार कर दिया। मैं अपने हीरोज़ को ड्रॉप करूँगा, तो देखिए मैंने रिंग बेस में कैसे किया, आप एक साइड के डिफेंस को ख़त्म कर दिए, ताकि आपके दूसरे साइड से जो भी ट्रूप्स डिफेंसेज हैं वो सीधे बेस के कोर में जाएं। अगर एक बार कोर में लावा लून ट्रूप्स चला जाता है, तब उस बेस में आप इजीली 2 स्टार कर दीजिएगा। और यहाँ पे 60% हो चुका हुआ, क्वीन भी मेरे पास है जिंदा सही सलामत है, और क्वीन देखता हूँ कितना डैमेज कर पाती है, 64%, 66% और कुछ खास नहीं, 66% के बाद मैं कुछ खास डैमेज नहीं कर पाया, इसलिए मैंने रिप्ले बंद कर दिया। तो अब चलिए नेक्स्ट रिप्ले देखते हैं। और देखिए यहाँ पर 32 ट्रॉफीज़ मैंने लूज़ किया था, ऐसा हो जाता है कोई भी 48% पर, आप सोचिए 32 ट्रॉफी मैंने लूज़ किया और मैं गेन 20 कर रहा हूँ, तो कितना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। अब 4-4 करके ट्रॉफी मिलेगा, 32 ट्रॉफी एक बार मैंने लूज़ कर लिए, तब ये मतलब काफ़ी बड़ी मिस्टेक मतलब हो जाता है, और आपको बड़ा गुस्सा आता है यार, क्यों हो गया। तो कोई बात नहीं, ये होते रहता है। तो मैं रिप्ले शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ,
मैम आपके साथ अगला रिप्ले शेयर करता हूँ। और यहाँ पर 67% एंड 7 ट्रॉफीज वाला रिप्ले। और ये देखिए, ये भी रिंग बेस है, तो रिंग बेस के साथ समझिए आप कैसे मैं इसे 2-स्टार करने वाला हूँ। देखिए पहले फनलिंग बड़ा जरूरी था, फनलिंग मैंने क्रिएट करने के लिए। देखिए अब आप एक माइंड में आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सारे इधर के डायरेक्शंस के ट्रूप्स खत्म हो चुके, डिफेंसेस खत्म हो चुके हुए, तो ट्रूप्स आपके सीधे कोर में। और यहाँ देखिए मैंने यहाँ से दूसरे साइड के उसके बाकी ट्रूप्स को भी खत्म, डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब मैं अटैक स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे मेरे बैलून्स एंड मिनियंस सीधे लावा हाउंड सीधे टाउन हॉल के मतलब बेस के अंदर जाएंगे। और देखिए यहाँ पे अंदर जा चुके हुए और अंदर में डिफेंसेज भी बचे हुए, तो डिफेंसेज तो खैर किसी हाल में नहीं बचेंगे, ख़त्म उन्हें होना ही है। और यहाँ पे मेरे मिनियंस भी टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय करने पे लग चुके हैं, और डिस्ट्रॉय कर भी दिया इन्होंने और 50% हो गया। तो देखिए रिंग बेसिस को कैसे आपको 2-स्टार करना, लवा हॉन्ट से ही सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया है। एंड आई होप आप ये वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सबके प्रॉब्लम हो रहा है ट्रॉफी पुशिंग में, आपको बात में समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट कीजिए। और यहाँ पे लवा हॉन्ट, यहाँ पे लून्स उसके ट्रूप्स सीसी में थे, और लेकिन क्वीन में की एबिलिटी मैंने यूज कर ली और कोई फायदा नहीं होगा, मैं कुछ खास डैमेज नहीं कर पाऊंगा। 66% और 2-स्टार हो गए। तो फ्रेंड्स ये था ट्रॉफी पुशिंग गाइड, एंड आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे ये वीडियो। और पार्ट वन जरूर देखिए, पार्ट वन में मैंने सारी बातें एक्सप्लेन, मैंने और भी बातें एक्सप्लेन की हुई हैं, आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगा। और अगर फिर भी आपको कोई ट्रॉफी पुशिंग में दिक्कत हो रहा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं कमेंट में आप लोगों की रिप्लाई करूँगा, आप लोगों को हेल्प करूँगा। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं आप लोगों के साथ अपना ये लास्ट जिसे मैंने 32 ट्रॉफी लूज़ किया था ये रिप्ले भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आप ध्यान से देखिए और मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए कि कैसे मिस्टेक्स आपको नहीं करने। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।